हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो सीएसएल की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फ्री रखा गया है इसमें। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि कोचिन सीपीआर लिमिटेड की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें भी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन यहीं पे सेम रहा गया है। और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर मशीनरी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर मशीनरी एंड पाइपिंग के लिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस के लिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग और असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स के लिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहीं पे सेम रखा गया है। नेक्स्ट है आईटी वालों के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें फर्स्ट है ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके बीवीटेक और डिप्लोमा पे मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोगों का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आप लोगों को सैलरी 49,500 पर मंथ मिल जाएगी और ड्राफ्ट्समैन पोस्ट के लिए आप लोगों को सैलरी 22,000 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हर एक साल पे 3% करके सैलरी इंक्रीज कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी, जिसमें आपका जो एक्सपीरियंस है उसका वेटेज 85% रखा गया है और इंटरव्यू का वेटेज 20% रखा गया है। और नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन के लिए, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट होगा। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। वेटेज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आपका जो एक्सपीरियंस है उसका वेटेज 60% रखा गया है और स्किल टेस्ट का वेटेज 40% रखा गया है। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करें तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको आप लोग को अच्छे से फिल करना है और फिल करने के बाद आप लोग को उसको स्कैन करना होगा। और उसके साथ आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्क्सिट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी, उसके अलावा आपका आधार कार्ड का स्कैन कॉपी, उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका स्कैन कॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी,
ये सब डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आप लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक सिंगल पीडीएफ बनानी पड़ेगी, और जिस पीडीएफ को आप लोग को इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी यहीं पे मेंशन दे उसी ईमेल आईडी पे मेल सेंड करना होगा, और मेल सेंड करने के टाइम आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को मेल को सेंड करना होगा। मेल सेंड करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 10th August 2022। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। उसके अलावा अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स अगर क्वेश्चन है तो आप लोग इसी ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 10th August 2022। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था, तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें फर्स्ट आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम आप लोग यहीं पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहीं पे अटैच करना होगा। उसके बाद आपको आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक सिंगल पीडीएफ बनानी पड़ेगी, और जिस पीडीएफ को आप लोग इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी इस नोटिफिकेशन पे मेंशन दे उसी ईमेल आईडी पे 10th अगस्त 2022 से पहले मेल सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कॉमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।